दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे प्रोसेस की जा रही है, किन टैक्सपेयर की जा रही है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में अपडेट देंगे और कितनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल हुई है 7 अक्टूबर तक, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CSBSing टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट भी पिन किया गया है। जिन टैक्सपेयर ने बिजनेस की ITR फाइल की थी ITR 3, उनकी रिटर्न प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सपेयर के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई थी ITR को फाइल करने की। टैक्सपेयर ने 22 जुलाई को फाइल की थी और इसे 9 अक्टूबर को प्रोसेस किया गया है, इंटीमेशन इशू कर दिया गया है। यहाँ पे टैक्सपेयर का कोई रिफंड या फिर डिमांड नहीं थी, फिर भी इसे प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। टैक्सपेयर इंडिया का रेजिडेंट था, इसलिए यदि आपकी रिटर्न भी प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको वेट करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो टाइम लिमिट है रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, वो 31 दिसंबर 2025 तक है। यहाँ पे छोटा सा रिफंड था टैक्सपेयर का 3000 रुपये तक का। रिटर्न 30 जुलाई को फाइल की गई थी, ड्यू डेट 31 जुलाई थी। ये रिटर्न भी प्रोसेस कर दी गई है 10 अक्टूबर को। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF की रिटर्न थी जिसमें के टैक्सपेयर ने स्पेशल रेट की इनकम दिखाई थी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर से। तो HUF को स्पेशल रेट की इनकम से तो रिबेट मिलती नहीं है 87A की, तो टैक्सपेयर ने जो टैक्स था वो पे कर दिया था और जो बैलेंस अमाउंट था वो रिफंड क्लेम किया था TDS का। तो इस रिटर्न को प्रोसेस करने में भी टाइम लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जिन टैक्सपेयर ने जून मंथ में रिटर्न फाइल की थी उनकी रिटर्न भी प्रोसेस की जा रही है। ये रिटर्न 26 जून को फाइल की गई थी और 10 अक्टूबर को इसे प्रोसेस कर दिया गया है। इसमें टैक्सपेयर का ना तो कोई डिमांड था ना ही रिफंड थी, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम लिया गया है इस रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए। टैक्सपेयर ने ITR 3 फाइल की थी जिसमें कि टैक्सपेयर ने अपनी बिजनेस इनकम भी दिखाई थी। तो इस प्रकार जो रिटर्न हैं उन्हें प्रोसेस करने में टाइम लिया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जिन टैक्सपेयर का कम रिफंड था उनकी रिटर्न भी प्रोसेस करने में टाइम लिया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे सिर्फ 10,000 के आसपास ही रिफंड था। रिटर्न 23 जुलाई को फाइल की गई थी लेकिन इसे 10 अक्टूबर को प्रोसेस किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है तो उसका रिफंड बनता है या वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उस केस में उसे एप्लीकेशन कैसे लगानी है, क्योंकि नॉर्मली टाइम खत्म हो जाता है रिटर्न को फाइल करने का। तो उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन की एप्लीकेशन लगानी होती है सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंतर्गत। तो एप्लीकेशन किसके पास लगाई जाएगी, इसके लिए क्लैरिटी दी गई है कि यदि आपका जो क्लेम है वो 1 करोड़ रुपये तक है तो आपको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये एप्लीकेशन लगानी है। लेकिन यदि आपका क्लेम 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, 3 करोड़ रुपये तक है, तो उस केस में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आपको एप्लीकेशन लगानी है। यदि आपका क्लेम 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आपको एप्लीकेशन लगानी है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल कर देते हैं लेकिन उसके बाद अपनी एक्नॉलेजमेंट टाइमली वेरीफाई नहीं करते हैं यानी कि ई वेरीफाई नहीं करते या साइन करके बेंगलोर नहीं भेजते हैं तो उस केस में जो कॉन्डोनेशन है वो CPC बेंगलोर के द्वारा की जाएगी, उसे ही पावर दी गई है। इसके अलावा कोई भी आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं जिस असेसमेंट ईयर से बिलोंग करते हैं उसके ख़त्म हो जाने के बाद 5 साल के बाद। तो यदि आपको रिफंड लेना है तो 5 साल के अंदर ही आपको ये एप्लीकेशन लगानी होगी इंस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास। और आपको ये भी यहाँ पे प्रूव करना होगा कि आप टाइमली इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाए क्योंकि आपके पास रीजनेबल कॉज था, जैसे कि आपके एरिया में कोई फ्लड आ गया था या फिर SSC जो है वो बीमार था, उसके पास मेडिकल ग्राउंड थे। तो ये रीजनेबल क्लोज एक्स्ट्रा आपको प्रूव करने होंगे, जेन्युइन हार्डशिप प्रूव करनी होगी। और यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करने से पहले असिस्टिंग ऑफिसर को कह सकती है कि वो नेसेसरी इंक्वायरी करे। लेकिन यदि किसी टैक्सपेयर का रिफंड इसलिए बन रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर है तो जितने टाइम तक प्रोसीडिंग कोर्ट के सामने पेंडिंग थी उसे इग्नोर किया जाएगा 5 साल का पीरियड काउंट करते हुए। तो आपको इंश्योर करना है कि आप जो कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन है वो 6 महीने के अंदर लगा दें, जब कोर्ट ऑर्डर देता है उस महीने के ख़त्म होने के बाद 6 महीने के अंदर
या फिर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेटर। यदि टैक्सपेयर की बिलेटेड एप्लीकेशन है या सप्लीमेंट्री क्लेम है रिफंड का, तो उसके लिए भी आप कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि टैक्सपेयर की इनकम किसी और व्यक्ति के हैंड में एक्सेसिबल ना हो और उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाता है क्योंकि वो लेट रिफंड क्लेम कर रहा है अपनी ITR का। रिफंड इसलिए बनना चाहिए कि आपका एक्सेस TDS है या TCS है या फिर एडवांस टैक्स सेल्फ एसमेंट टैक्स आपने ज़्यादा पे कर दिया था। दोस्तों, यदि किसी टैक्सपेयर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका लीगल हेयर इनकम रेस्क्यू पोर्टल पे उसकी रिटर्न फाइल कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल हेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी, अपडेटेड रिटर्न फाइल की थी, यानी कि ड्यू डेट खत्म हो गई थी उसके बाद रिटर्न फाइल की गई है, लेकिन इसे इनवैलिड कर दिया गया है। तो इसके लिए आपको रीज़न चेक करने हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही लॉगिन करके कि रिटर्न क्यों इनवैलिड की गई है। यहाँ भी हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा है कि उन्होंने रिटर्न 23 जुलाई को फाइल की थी और कल उनका रिफंड आ गया है 10 अक्टूबर को। उन्होंने हमारे चैनल का थैंक यू किया है, थैंक यू सब्सक्राइबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट थी टैक्स ऑडिट को फाइल करने की असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और इस दौरान 34.09 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल की गई है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और टोटल ऑडिट रिपोर्ट 34.84 लाख हैं, जिसमें के अदर ऑडिट रिपोर्ट भी आती हैं जैसे कि फोन नंबर 10B, 10BB टेक्स्टर के अंतर्गत। और यहाँ पे 4.8% इंक्रीज हुई है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यदि आप लास्ट ईयर की तुलना करते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 से। यहाँ पे टैक्सपेयर की असिस्टेंस करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत से आउटरीच प्रोग्राम चलाए गए थे ईमेल SMS के द्वारा। इसके अलावा 1,23,000 से ज़्यादा क्वेरीज टैक्सपेयर की एड्रेस की गई हैं वेरियस मोड के द्वारा, जैसे कि कॉल्स के द्वारा, लाइव चैट के द्वारा, को ब्राउजिंग सेशन के द्वारा। इसके अलावा ट्विटर यानी कि एक्स पे भी रिस्पॉन्स दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। 9 अक्टूबर को 84,000 रिटर्नें ही ऑलमोस्ट प्रोसेस हुई हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और डेली कितनी ITR प्रोसेस हो रही है ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप पिछले 50 दिनों का डेटा देखते हैं तो सरकार ने 2,32,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की हैं, और एवरेज नंबर ऑफ ITR जो एक दिन में प्रोसेस की जाती है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पे देखेंगे आप कि जो टोटल ITR वेरीफाई हुई है वो 7,69,00,000 से ज़्यादा है, और 7,26,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, तो 42,00,000 के आसपास रिटर्न ऐसी हैं जो कि पेंडिंग हैं प्रोसेसिंग के लिए, जिन्हें के कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत कम हो चुकी है। 9 अक्टूबर तक 7,82,00,000 रिटर्न फाइल हुई है, जिसमें के 7,69,00,000 से ज़्यादा रिटर्न वेरीफाई हुई है और 7,26,00,000 रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट 94% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 6% रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल हुई होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।